अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है अदनान खान और आप देख रहे हैं पेट्स लवर्स। और पेट्स लवर्स आज आपके लिए लेके आया है थोड़ा सा मुनफरिद हटकर चीज़, और हटकर इसलिए कि आज मुर्गों की दो तीन नस्लें हैं जिनके बारे में हम आपको शौक कराने जा रहे हैं। शौक भी है और ये अगर आप परचेज़ करना चाहेंगे तो आपको नंबर भी मिल जाएगा। आगे जाने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें, और अपना भी कोई शौक दिखाना चाहते हैं या पेट सेल करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें, लोकेशन सेंड करें, इंशाल्लाह पेट्स लवर्स आपके पास भी ज़रूर आएगा। तो अभी चलते हैं क्योंकि मुझे तो नस्लों का इतने पहचान नहीं है। तो हमारे साथ हैं अहमद। अहमद बताएंगे हमें कि ये कौन सी नस्ल है और इनका शौक कब से है। अस्सलाम वालेकुम अहमद, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अच्छा अहमद, सबसे पहले तो माशाल्लाह आप इतनी कम उम्र में इतना महंगा शौक, ऐसा शौक, और आप आरसी पायलट भी हैं, और माशाल्लाह आपका जो आपकी फील्ड है और जो ये फील्ड है ये बड़ी डिफरेंट है, तो ये शौक कैसे पैदा हुआ पहले तो ये बताएं। शौक जानवरों का था, साथ कभी बिल्ली रख ली, अच्छा कभी कोई ऐसा पेट ले आना, कभी बर्ड ले आना, लेकिन फिर मैंने सोचा इनको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलते हैं। ठीक है, तो फिर मैंने ये खुद इंपोर्ट करवाई, हमारी सेल्फ इंपोर्ट है। ठीक है, ये यॉर्क्शायर नामी है इस वक्त। ठीक है, ये इस वक्त 40,000 का इसका पेयर है। इसका मीट भी ब्लैक होता है और इसका मीट ही खाया जाता है इसलिए ज्यादा एक्सपेंसिव है। अच्छा जबरदस्त। अच्छा ये पहले पाकिस्तान में इतना आम देखने में नहीं आ रहा था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता इसका रुझान काफी तेज होता जा रहा है, तो आपने कब मंगाया और कितने का मंगाया? जी बिल्कुल ऐसा ही है, ये मेरे पास 1 ईयर पहले आई थी। ठीक है, और तब इसका जो रेट था वो तकरीबन 1.5 लाख रुपए था। अच्छा हम इसको पकड़ के दिखा सकते हैं, थोड़ा करीब आ जाते हैं। और ये देखें जनाब, हम करीब आ जाते हैं, करीब जाके दिखाते हैं, ये डर रहा है। तो अहमद आप बताइएगा इसके बारे में। ये यॉर्कशायर ब्रीड है, मैंने आपको बताया। ठीक है, ये इंडोनेशिया वाली साइड की है और इसमें एक फिलॉसफी चल गई थी ब्लैक टंग और ग्रे टंग। बेसिकली अच्छा। इसका कोई मसला नहीं है, इसका बेसिकली मीट खाया जाता है, तो आपके पास ग्रे टंग भी है ब्लैक टंग है तो इसका यूज आप जब आपने मीट ही करना है। ठीक है, तो हमने जबान तो खानी नहीं होती, हमने मीट ही खाना होता है। ठीक है, तो ये एक सब फिलॉसफी है, इसका मीट ब्लैक होना चाहिए। ठीक है, और ये रियल होनी चाहिए ब्रीड। ओके, तो ये आपके पास है रियल ब्रीड है? जी बिल्कुल ऐसा ही है, मेरे पास ग्रे टंग है और इसकी जो मुर्गी है उसमें से 2 मुर्गी है जो ब्लैक टंग है। अच्छा जबरदस्त। तो मुझे ये बताएं कि अगर ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इसको कैसा देखा? बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि डेली बाजरा खाते हैं, आपका ज्यादा वो नहीं है इसमें ना, ठीक है, आपको ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करने पड़ते। आपने एक दफा पेयर ले लिया, आप इनको कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है, जिस तरह हमारी नॉर्मल मुर्गियां होती है पाकिस्तानी देसी, हम इनको कुछ भी डाल देते हैं ना, इस तरह इनको हम कुछ भी डाल देते हैं। ठीक है, और थोड़े बहुत एक फ्रूट्स वगैरह कभी इनको खिला देते हैं तो इसकी वजह से इनका जरा साइज अच्छा है और नॉर्मल मुर्गों से ना। ठीक, तो इसका बिजनेस ये है कि ये डेली एग्स देते हैं, तो हम एग्स इंक्यूबेटर में लगा देते हैं, वहां से बच्चे आ जाते हैं। ओके, तो इसका जो अभी जो बच्चा है वो तकरीबन 1.5 से 2,000 रुपए का सेल हो रहा है मार्केट में। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अब तक आपने कितना बिजनेस कर लिया इसे? इसे माशाल्लाह हमने जब स्टार्ट किया था तब इसका बच्चा 3 से 4,000 रुपए का था। अच्छा, तब हमने निकाले थे और ये डेली एग्स देते हैं। माशाल्लाह, ये तो बड़ी जबरदस्त ब्रीड है, और जैसे कि आप देख रहे हैं। और अब चलते हैं हम आगे, और एक और ब्रीड है वो उसके बारे में भी आप बताएं जरा, हम उधर चलते हैं। अच्छा तो अहमद ये बताएं ये कौन सी ब्रीड है? ये माशाल्लाह बड़ी प्यारी है। ये बिल्कुल ऐसा ही है, बड़ी यूनिक चीज है। ये सिल्वर स्प्राइट है, आपके सामने मुर्गा कितना ज्यादा ज्यादा 15 से 16 इंच का ही होगा, छोटा सा एक मुर्गा हाथ के जितना। अच्छा, तो ये ऐसा है कि लोग इसको शौकिया तौर पर रखते हैं, क्योंकि ये आप देखें ग्राउंड वगैरह में वहाँ पे कितना खूबसूरत लगता है, इसके ऊपर पैटर्न जो होते हैं वो बड़े खूबसूरत होते हैं। तो इससे भी बिजनेस किया जा सकता है, ये अगर आप छोटा सा लेके रख लें तो ये छोटी सी जगह में भी रह लेते हैं और ये हर चीज खा लेते हैं। अच्छा, तो ये कितनी तादाद में थे और एक पेयर था आपके पास, और इस वक्त कितने हैं? जी बिल्कुल, मेरे पास एक पेयर था और एक पेयर से हमने 5 से 6 पेयर बना लिए थे माशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह। तो ये कितने डेली के एग्स देते हैं? एक देते हैं या हफ्ते में 2-3 देते हैं? ये बेसिकली जो है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको लेके चला जा सकता है, लेकिन ये बेड एग लिए थे। अच्छा, ये हफ्ते में 1-2 अंडे देते हैं, इससे ज्यादा नहीं देते। ठीक हो गया, यानी कि हफ्ते में सिर्फ 1 से 2 अंडे देते हैं। जी बिल्कुल ठीक है, अगर मुर्गियां ज्यादा होंगी तो ऑब्वियसली आपके पास अंडे ज्यादा आएंगे, जिस तरह हमने मुर्गियां 3 रखी हुई हैं। ठीक है, तो हमें 2 से 3 आ जाते हैं। वैसे अगर आप एक मुर्गी रखेंगे तो आपके हफ्ते में 1 से 2 अंडे ही आएंगे, उससे ज्यादा नहीं आ सकते। ठीक है, यानी कि एक मुर्गी अगर आप कहें हफ्ते में 2 अंडे देती है। जी ऐसा ही है। ठीक है, तो 3 है तो 6 की एक्सपेक्टेड है कि 6 अंडे आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, और उसको फिर आप जो है ना बच्चे निकलवा के सेल कर सकते हैं। बिल्कुल, तो इसका बच्चा कितने का निकल जाता है? इसका बच्चा जो है वो 800 से लेके 1500 तक का होता है। अच्छा, यानी कि इतने एक्सपेंसिव नहीं है? नहीं। ठीक हो गया, लेकिन ये है कि देखने में खूबसूरत है, और माशाल्लाह अगर आप शौक करना चाहते हैं और रखना चाहते हैं तो ये बड़ी जबरदस्त ब्रीड है, और बच्चे भी इससे जो है खुश होंगे। तो अच्छा, ये लड़ते तो नहीं है? नहीं, ये बिल्कुल नहीं लड़ते। हाँ। ये थोड़ा सा इसका मुर्गा जो होता है थोड़ा सा एग्रेसिव होता है। अच्छा। ये डिपेंड करता है, क्योंकि मैंने जिससे बाय किया था
उसने इनको पूरी जिंदगी केज में रखा था, इन्होंने इंसानों को ना देखा नहीं था, तो एक किस्म का जुल्म होता है अगर आप एक पेट को ला रहे हैं घर में तो आप उसको ना एज अ पेट की तरह रखें, आप उसको खोलें, आप उसको टाइम दें, तो इस तरह फिर मुर्गे सही रहते हैं। बिल्कुल, उनको जरा इंसानों के साथ दोस्ती हो जाती है। जी बिल्कुल, ऐसे ही है। अच्छा अहमद, इसको अगर प्राइस के तौर पे देखा जाए, अगर आपसे कोई कहे कि हम पेड़ लेना चाहते हैं तो पेड़ कितने का मिल जाएगा? जी बिल्कुल ऐसा ही है, ये कम इन्वेस्टमेंट में एक बड़ी अच्छी चीज है। एक तो खूबसूरत है, आप घर में भी रख सकते हैं, ठीक है, और ये काफी कम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपका 15,000 रुपए में एक ट्रियो का सेट मिल जाता है, 15,000 से 16,000 के दरमियान में। 15,000 से 16,000 में? जी। उसमें आप एग्स होते हैं? नहीं एग्स नहीं होते, उसमें कह लें कि 6 महीने के बच्चे होते हैं। 6 महीने के बबच्चे होते हैं, कितने बच्चे हो जाएंगे? 3 होंगे ना, एक मुर्गा होगा और ऑब्वियसली। अच्छा, ये एक मुर्गा और 3 मुर्गियां? 3 मुर्गियां, ठीक है, ये 16,000 रुपए में। जी ऐसा ही। और अगर कोई कहे हमें एक पेयर चाहिए? एक पेयर चाहिए, फिर वो डिपेंड करता है, वो 6 से 7,000 में भी मिल जाता है, इससे कम में भी मिल जाता है, क्वालिटी के ऊपर है इसकी। क्वालिटी के ऊपर है, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, ये आप बता रहे थे अहमद कि ये थाई नस्ल है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, थाई में ये एक तो ब्लैक है और ये दूसरे कलर्स में, इसका क्या कॉम्बिनेशन है? ये बस इनका कलर चेंज है, वैसे बाकी ये दोनों सेम ही है। अच्छा, ये बेसिकली 2 मुर्गी हैं और ये वाली भी मुर्गी है। ठीक है, इनका मुर्गा हम इंशाल्लाह मंगवाएंगे। ठीक है, और इसका भी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू काफी अच्छा है, लोग असीलों को ज्यादा लाइक करते हैं। ठीक है, तो ये असील ही है बेसिकली, हमारे पाकिस्तानी, हमें अपनी पाकिस्तानी नस्ल को भी प्रमोट करना चाहिए। ठीक है, तो ये इसका ये है कि इसका मुर्गा 1,00,000 से लेके 1.5 लाख रुपए के दरमियान में मिल जाता है। ठीक है, और इसकी मुर्गी 25,000 से 30,000 के दरमियान में आपको मिल जाती है अच्छी। ठीक है, अच्छा अभी आपके पास मुर्गा नहीं है? नहीं। और खाली कोई अगर मुर्गी, ये कितने महीने का होगा ये जो आपके पास इस वक्त? ये मेरे ख्याल से 1.5 महीने का, इससे ज्यादा नहीं, 1.5 महीने का है। जी बिल्कुल, ठीक है। और अगर आपसे कोई परचेज करना चाहे शौकिया कि अब उसके पास पेयर हो, यानी कि वो चाह रहा हो मेरे पास मुर्गा है तो मुर्गी मैं ले लूं, तो आप मुर्गी अगर सेल करना चाहें तो कितने की देंगे? जी बिल्कुल, अगर आपके चैनल से कोई हमारी तरफ आएगा तो हम उसको स्पेशल 50% के ऊपर डिस्काउंट देंगे। ठीक हो गया, माशाल्लाह। और अभी आपको नंबर भी स्क्रीन पे आ रहा होगा, मजीद आगे चल के आपको नंबर मिलता रहेगा, आप अहमद से रابطہ भी कर सकते हैं अगर आपको परचेस करने जो कि आप देख रहे हैं थाई भी है, दूसरे नस्ल्स भी हैं, तो जो भी आपको पसंद आ रही है अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप रابطہ कर सकते हैं। ये अहमद का नंबर है। अच्छा जी, माशाल्लाह अहमद, ये कौन सी ब्रीड है? ये बड़ी अच्छी और अच्छी हाइट पे हैं, माशाल्लाह, लंबी टांगों वाले, इस ये कौन सी नस्ल है? ये बेसिकली जायंट इंडिगो है, ये ब्राजीलियन है। अच्छा, ये लोकल नहीं है, ये हमने खुद अपना इम्पोर्ट करवाया हुआ है। ठीक है, और ये पाकिस्तान में अभी किसी बंदे के पास नहीं है। अच्छा, ये बहुत रेयर ब्रीड है। अच्छा, और इसका जो साइज है वो 4 फुट तक चला जाता है। अच्छा माशाल्लाह, थोड़ा सा आगे आ जाते हैं हम इसको, ये देखें तो अब ये आप माशाल्लाह देखें कि बड़ी, और ये कितने महीने के होंगे इस वक्त? ये अभी इस वक्त सिर्फ 6 से 7 महीने के हैं, अभी ये बच्चे हैं। अच्छा, अभी इन्होंने अपना और साइज निकालना है। ठीक है, और दूसरा अब शामू का जो ट्रेंड है वो अब खत्म होने लगा है, अब शामू के बाद ये आएगा। Okay. क्योंकि शामू से ये बहुत बड़ा है और काफी खूबसूरत है, माशाल्लाह आप देख सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह, और इसकी हाइट माशाल्लाह आप देखें, और बड़े ही जबरदस्त जो है इसकी लंबी टांगे हैं और खूबसूरत है। अच्छा, ब्रीड के इसके हवाले से मुझे कोई इतना आइडिया नहीं है अहमद, तो आप दोस्तों को जरा ये क्लियर कर दें कि ये कितने का पेयर होगा अगर आप लेना चाहें, और अगर इसके चिक्स मिलने तो चिक्स आपके पास हैं इसके? अभी तो ये बच्चे हैं, अभी इन्होंने खैर ब्रीड तो नहीं की, तो इनकी चिक्स अवेलेबल इस वक्त नहीं है मार्केट में। ठीक है, अगर कोई अगर सीरियस बायर है, कोई अगर हमसे लेना चाहता है, तो इसकी जो डिमांड है वो 5 लाख है। ठीक अच्छा। है ना, इससे नीचे नहीं मिलेगा क्योंकि ये पाकिस्तान में बहुत रेयर है, लेकिन अगर आपके कोई चैनल से आएगा आपका नाम लेके तो हम उसको डिस्काउंट इस पे अच्छा खासा देंगे। ठीक है, चलें जी, ये माशाल्लाह आपको मैंने दिखा दिया है, और माशाल्लाह बड़ी ही जबरदस्त और रियल चीज है, और पाकिस्तान में ये बहुत कम लोगों के पास है, या शायद अभी तक नहीं है, अभी तक किसी के पास नहीं। अब ये ले जी, अभी तक नहीं है, और ये माशाल्लाह, ये कहाँ से ब्रीड आई थी? ब्राजील। ब्राजील से। तो अगर आप इसका शौक रखना चाहते हैं तो आप अहमद के साथ रابطہ कर सकते हैं, और अहमद ने माशाल्लाह ये सेटअप भी, मैं आपको थोड़ा सा व्यू करा देता हूँ कि ये बड़े अच्छे तरीके से छोटी सी जगह पे बड़ा अच्छे तरीके से मैनेज किया हुआ है, और पार्टीशन करके, और ये लास्ट में जो मुर्गियाँ हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं। अहमद, जो लास्ट में ब्रीड है माशाल्लाह, वो भी बड़ी यूनिक सी लग रही है, चलते हैं हम उसके पास। अच्छा जी माशाल्लाह अहमद, ये कौन सी ब्रीड है, इसके बारे में बताएं, ये बड़ी यूनिक सी और बड़ी खूबसूरत है। जी बिल्कुल, ये वाइंडोट है। अच्छा, और ये अभी पाकिस्तान में बहुत कम लोगों के पास है। अच्छा, ये बेसिकली एक फैंसी मुर्गी है, आपके सामने ये काफी फ्लफी सी, और इसके बड़े प्यारे प्यारे कलर है, थोड़ी सी ये शरारती होती है लेकिन मारती वगैरह नहीं है, आप इनको घर में एज अ पेट जरूर रख सकते हैं, और ये काफी फ्लफी सी होती है, और इस वक्त ये काफी रेयर है पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, बड़े कम लोगों को इस ब्रीड का पता है, ये मोस्टली बड़े बड़े इलाकों में रखी जाती है। ठीक है, और ये मेरे ख्याल से
आपके साथ बहुत ज्यादा जो है ना वो मोहब्बत का इजहार कर रही हैं, क्योंकि आपके पास बैठी हुई हैं। ये देखें नाजिन, मैं आपको दिखाता हूँ, अहमद बैठा है तो अहमद के बिल्कुल ये देखें ये मेरे मोबाइल पे कैमरे पे हमला कर रही हैं, ये समझिए कुछ खाने की चीज़ है। और ये देखें बिल्कुल भी नहीं डर रही, और ये इंसानों से मोहब्बत का इजहार जो है कर रही हैं। और अहमद चूँकि इनको पूरा टाइम देते हैं तो इस वजह से भी ये ज़रा खूबसूरती और अपना जो है मोहब्बत का इजहार कर रही हैं। ये देखें ये बाहर जाने की कोशिश कर रही हैं, ये कैमरे पर हमला कर रही हैं। तो अहमद इसके बारे में मज़ीद आप बताएँ। ये बेसिकली जो है ये हमने ये भी इम्पोर्ट करवाई हुई है, ठीक है, और इसको वाइन डॉट कहते हैं, आप इसको गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। ये एज अ पेट रखे जाते हैं। इस वक्त जो इसमें ब्लू कलर है वो काफी रेयर है। अच्छा ये ब्लू कलर है, ये वाला ब्लू कलर है, ठीक है। इसका जो मुर्गा है वो भी ब्लू कलर का हमारे अच्छा पास। वो सामने जी बिल्कुल ये देखें जी, ये मुर्गा है और ये भी ब्लू यानी कि ग्रे है, लेकिन इसको ब्लू कहते हैं, ऐसे ही है जी बिल्कुल ऐसे ही। जो ऐसा खास ग्रे कलर होता है, आप अगर इस मुर्गे के ऊपर पैटर्न देखें तो ये ब्लू ही कंसीडर किया जाता है मुर्गियों के अंदर। ये शेड होता है हल्का सा बेसिकली ब्लू का, टोटल ब्लू नहीं होता जिस तरह ब्लू होता है, ठीक है। तो ये इस वक्त रेयर कलर है इसका, तो ये हमने मंगवाया भी है। तो ये बैरियर टोन डिफेंस इधर उधर लोग इसको रखते हैं अपने ग्राउंड वगैरह। अच्छा ये पाकिस्तान में आम मिल जाती है? नहीं ये आम नहीं मिलती है, आपको इम्पोर्ट करवानी पड़ती है, ठीक है। और जिनके पास है इनका फिर रेट काफी ज्यादा है। अच्छा रेट ज्यादा है, तो आप मुझे ये बताएं कि अगर आपसे कोई परचेज करना चाहे तो आप कितने की देंगे? जी बिल्कुल ऐसा ही है, इसका जो सेट है वो तकरीबन 1.5 लाख रुपए का है। अच्छा ब्लू एक यानी कि एक मुर्गा और एक मुर्गी एक पेयर? नहीं एक मुर्गा दो मुर्गियों का। अच्छा एक मुर्गा, ये हमने इसका पेयर जो बनाया हुआ एक मुर्गा दो मुर्गी है। अच्छा अच्छा ये जो ब्लू वाली है उसका ये रेट है, ठीक है। जो गोल्डन वाली है वो सस्ती है, ठीक है। वो उसका जो पेयर है वो 60 से 80,000 के दरमियान में फॉल करता है, ठीक है सही है। तो अगर अब मैं आखिर में आपसे ये पूछूंगा कि आप कितने साल हो गए आपको ये शौक करते हुए, और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को क्या एडवाइस करते हैं इसमें? लास्ट 2 ईयर से मैं इनके अंदर आया हूँ, ठीक है। बेसिकली तो मेरा शौक था, मैंने फादर से कहा कि मैंने सेटअप बनाना है, ठीक है। तो उन्होंने बना दिया, हमने एज अ शौक के लिए ही ऊपर लाए थे, ठीक है। लेकिन हमें इनसे माशाल्लाह रिस्पॉन्स काफी अच्छा मिला, ठीक। तो हमने वैसे ही एक पहले सिल्की का पेयर लगाया था, उसके जब हमने एक्स सेल किया तो उससे हमें काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, फिर हम आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ाते गए और आपके सामने माशाल्लाह 2 साल का रिजल्ट है। अब हम अपने जानवर खुद इम्पोर्ट करवाते हैं, ठीक है माशाल्लाह। अच्छा इसकी डाइट के बारे में बताएं कि डाइट ये आम डाइट ही होती है जो सबको देते हैं या इसकी डिफरेंट है? नहीं बिल्कुल इनकी डिफरेंट डाइट है, ये फ्रूट्स के ऊपर है, ये हम इसको ड्राई फ्रूट्स भी देते हैं। अच्छा जिसमें इसको अखरोट भी दिया जाता है, पिस्ता भी दिया जाता है, बादाम भी दिया जाता है। अच्छा और इसके जो दाना होता है ना नॉर्मल, वो नॉर्मल दाना नहीं होता, वो हम खुद बनवाते हैं, उसमें दालें मिक्स करवाते हैं, ठीक है। और भी बड़ी चीजें होती है, गर्म चीजें होती है, अभी सर्दियां चल रही तो हम वो भी इसके अंदर मिक्स करवाते हैं, तो इनकी डाइट एक्सपेंसिव है थोड़ी सी। अच्छा डाइट एक्सपेंसिव है और ये मुर्गे भी इस जो है काफी एक्सपेंसिव है जी बिल्कुल ऐसा ही है, जब आप एक महंगी चीज ले रहे हैं तो आप उसको आपको डाइट उसकी महंगी रखनी पड़ेगी हाँ। तो जो भी लें तो ये जहन में रखें कि ये जो आम बाजरा या आम चीज होती है वो ये नहीं खाते, इनके लिए थोड़ा सा आपको खर्चा करना पड़ेगा। तो नाज़िन ये था अहमद का शौक जो आपने देखा, और माशाल्लाह इस वक्त जो हाथ में पकड़ा हुआ है ये आपको दिखा चुके हैं। और अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो अहमद एक बार अपना नंबर भी बोल के दिखा दें, वैसे तो स्क्रीन पे है, और आप इसका नंबर भी अपना बता दें। जी बिल्कुल मेरा नंबर जो है वो 03104847664। अगर हमसे कोई लेना चाहता है तो आके ले सकता है, कार्गो अवेलेबल नहीं है, लाइव आके जानवर देखें पसंद आता है तो लेके जाए, वरना ना लेके जाए, क्योंकि कार्गो में अक्सर ये होता है कि जो बर्ड होता है वो मर जाता है। पहले मैंने एक बर्ड कार्गो करवाया था इस्लामाबाद, ठीक है, तो वो इसी तरह बेचारा मर गया था हीट की वजह से। ओके तो ये जानवर के साथ एक जुल्म है, तो जानवर के साथ जुल्म नहीं करना चाहिए। यहाँ पे आए, हमारी लाहौर लोकेशन है, ठीक है। जो बाकी जो फर्दर जिसको चाहिए होगा वो कॉन्टेक्ट पर रब्ता कर लेगा, तो हम उसको सारी लोकेशन गाइड करके उसको यहाँ से जो ब्रीड पसंद होगी जो वो लेना चाहे तो हम उसको वो दे देंगे। ले जी अहमद ने आपको बता भी दिया लाहौर लोकेशन है, और अगर आप ये तकरीबन इकबाल टाउन का एरिया लगता है और लाहौर लोकेशन है, अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो अहमद का नंबर नीचे आ रहा है और आप इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और अगर शौक करना चाहते हैं तो शौक के लिए सिर्फ ये है कि अहमद अभी स्टूडेंट हैं और स्टडी भी कर रहे हैं साथ साथ, तो टाइम ना वेस्ट कीजिएगा, जो इंटरेस्टेड हों सिर्फ वो उनको कॉल करें और जो परचेस करना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप अहमद का शौक भी आपको पसंद आया होगा। और अगर आप भी अपना कोई शौक दिखाना चाहते हैं या अपना ऐसे ही कोई पेट सेल करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये मेरा नंबर है जो कि इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, और लाइक करना भूल जाते हैं, मैं फिर कहता हूँ लाइक कर दिया करें, और दुआ में मुझे याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।